नमस्कार दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर का मॉक टेस्ट हम एक और करने जा रहे हैं। कल हमने एक मॉक टेस्ट किया था और उस मॉक टेस्ट में मैंने कहा कि 25 प्लस चैलेंज है और अधिकतर लोगों का उसमें स्कोर, जो लोगों ने शेयर किया है, वो स्कोर 30 से ऊपर जा रहा है। कोई 32 कह रहा है, कोई कह रहा है कि हमारा 34 क्वेश्चन सही है, कोई 28 वाला भी है। तो मैं आज जो टारगेट इसमें रख रहा हूँ कि इसमें टारगेट मैं बढ़ा के कर रहा हूँ 30 प्लस का, यानी कि जिसका भी स्कोर 30 प्लस होगा या 32 प्लस होगा उसका स्कोर मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा है। टोटल इस मॉक टेस्ट में हम 40 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके अपना स्कोर शेयर करेंगे। 35 जिसने क्रॉस किया समझ लीजिए कि बहुत अच्छा उसका मॉक टेस्ट होगा। ऐसे और बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको आप देखिए। और ये एग्जाम होने से पहले हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको सब सरल लगने लगेगा। इसमें आपका मैथ रीजनिंग भी आता है, तो मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं, उनको भी हमने शामिल किया है। पहला क्वेश्चन ही देखिए मैथ का आ गया है, और सारे सब्जेक्ट और करंट अफेयर को भी इसमें हमने शामिल किया है। तो इसमें स्कोर अपना आप शेयर कीजिएगा। और 1 तारीख से हमारा, यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलने वाला है। 15 टेस्ट हम डेली बेसिस पे कराएंगे, तो उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल 149 रुपये का उसमें एक सहायता शुल्क लिया जा रहा है, उसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा, और डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, करंट अफेयर भी उसमें आपको मिल जाएगा, तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ये प्रश्न आप वैसे सॉल्व करेंगे तो बड़ा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इसमें एक चीज ये आपको पता है कि पानी वैसे तो खरीदते हैं आप या पानी RO से निकालते हैं, लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं तो पानी को फ्री माना जाता है, यानी कि पानी यहाँ पर मुफ्त आपको मिल रहा है। तो पानी और इसका जब मिश्रण आप बनाएंगे तो क्या अनुपात रखना है, तो 20% का लाभ करना है। तो 100 यूनिट अगर है, यानी कि 120, 100 रुपये का है तो 120 का बेचना है, तो इस तरह से आप अनुपात निकालेंगे तो 5:6 का ये अनुपात आएगा आपका, 5:6। अब इसमें जो कीमत है, तो मान लीजिए कि 1 रुपये कीमत है, तो उसमें से अगर आप इसका अनुपात निकालेंगे पानी का और दूध का, तो 1-5/6 अगर आप करते हैं तो आपका आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब ये हो गया पानी 1/6, ये जो रेशियो है, और दूसरा 5/6 जो हो गया, ये हो गया आपका दूध का। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मैथ यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको जब 1/6 और 5/6 को डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो जो है आपका, इसमें 6 और 6 ये कट हो जाएगा, 1:5 आ जाएगा। सीधा आप ये लगाइए कि 120 का अगर आपको लेके चलना है, 6 हिस्से करेंगे तो 1 हिस्से इसमें आपका पानी हो जाएगा, और 20 ऊपर जा रहा है तो 6 हिस्से इधर हो जाएंगे, 5 हिस्से इधर हो जाएंगे। टोटल क्या हो गया, ये 6 हिस्से में आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो 1:5 में इसको आप मिलाएंगे तो हो जाएगा, बाकी आप लोग मैथ से इसको लगा लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो भी देखिए मैथ का ही है। अनुरिमा 10,250 रुपये का निवेश 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर करती है, जिसमें उसे कुल 12,710 रुपये धनराशि प्राप्त होती है। तो ये धनराशि पाने के लिए उसे कितने वर्ष के लिए निवेश करना पड़ेगा, सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस यही निकाल देना है कि कितने साल, समय निकालना है इसमें, टाइम निकाल देना है। तो सिंपल सा है, 12,710 इसको माइनस इसमें से कर दीजिए 10,250, इसको 10 और 50 ऐसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,460 रुपये आपका आ जाएगा, और 2,460 रुपये ये आपका अमाउंट हो गया। अब इसमें 2,460 फार्मूले में आप इसको रखिए, SI × 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट, तो आप 2,460 × 100 और बटे ये अमाउंट था 10,250, तो 10,250 × 4 इसको सॉल्व करिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये यहाँ कट हो गया, इसको 4 से कर देंगे, तो 4×6 = 24, 2 से करिए, 2 से करके इसको 50 ले आइए, और इसको फिर से 2 से कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 123, ठीक है। यहाँ पे 50 है और ये है 1,025, इसको 25 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको 25 से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 25×4=41, ठीक है। और 41 का ये 3 आ जाएगा, 41 × 3 = 123, और 3×2 = 6, तो 6 वर्ष ये आपको बिल्कुल इजिली निकल आया। सामान्य से प्रश्न ही आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते वे मलेच्छ है, किनको मलेच्छ कहा गया है? आपने जब पढ़ा होगा
प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें आपने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें यह कहा गया है कि संस्कृत भाषा जो शुद्ध नहीं बोल पाते वो मलेच्छ, तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो आजकल तो संस्कृत कोई शुद्ध नहीं बोल पाता, तो आज की दृष्टि से तो सब लोग मलेच्छ हो गए। अर्थशास्त्र मतलब कोई का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग हैं विद्वान हैं जो बोल सकते हैं, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं, हम आप में से भी जो अच्छे बोल पाते हैं तो नहीं होंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में यहां पर देखिए स्टेटमेंट दिए हैं, ये भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की रचना है और माना जाता है कि ये प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, ये कोई दो राय इसमें नहीं है। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें आपको जैसे उसमें की शिक्षा दीक्षा, राजकुमारों की, राजदूतों जासूसों का चयन, इन सब चीजों के बारे में है ना, राजशासन के बारे में विस्तृत निर्देश तो मिल जाएंगे, लेकिन शासन तंत्र के बारे में वैसा कुछ नहीं मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। और रचना किसकी है? कौटिल्य, है ना, चाणक्य के नाम से जिनको जाना जाता है। और ये कई लोग ऐसे भी हैं कि विचारधारा है कि अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना नहीं भी माना जाता है, ऐसी भी कई विचारधारा है, लेकिन आप इसमें मत पढ़िएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन भारत में 1882 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, प्रारंभ किया गया, और रिपन को माना जाता है। कौन था? रिपन। रिपन जो था उसको भारत में आधुनिक स्थानीय शासन का जनक माना जाता है, प्रारंभकर्ता माना जाता है। और स्थानीय शासन का फादर भी आपसे कहा जाए या जनक कहा जाए या प्रारंभकर्ता कहा जाए तो सब एक ही बात है, रिपन ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तेल शोधनशाला आपकी गुजरात में है। तेल शोधनशाला जैसे केरल में आप जाएंगे तो आपको कोची में मिल जाएगी, गुजरात में आपका जामनगर, वाडीनार, कोहली मिल जाएगी, और आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो हल्दिया आपको मिल जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई तेल शोधनशाला नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? कई क्वेश्चन मैंने इसमें पुरानी जो प्रवक्ता परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन डायरेक्टली रखे हैं, आपको स्तर पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। 120 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर और उसमें से 40 क्वेश्चन आपके जीएस के, और इन 40 में अगर आपने 35-34 स्कोर कर लिया, 32 से ऊपर स्कोर कर लिया, तो आप अच्छी खासी फाइट में आ जाएंगे। कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर, फ्लिंडर्स, ऑरेंज, गिलबर्ट। इसमें से हंटर, फ्लिंडर्स और गिलबर्ट ये नदियां तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी के बारे में याद कर लीजिए, ये साउथ अफ्रीका की नदी है। ये पूछा हुआ प्रश्न है प्रवक्ता परीक्षा में ही, जो यूपीपीसीएस पीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये वहां पे बहती है और ये डेंकर्सवर्ग पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, डेंकर्सवर्ग पर्वत से ये निकलती है और अटलांटिक ओशन में ये गिरती है ना। और ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो के मध्य सीमा भी बनाती है। बाकी ये जो नदियां हैं ये ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जियोम नहीं है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, और जियोम कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो रेगिस्तान, घास का स्थल, टुंड्रा, ये सब जियोम के उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र जियोम का उदाहरण नहीं है। बृहद पारितंत्र या बृहद प्राकृतिक पारितंत्र जो होता है जिसमें पौधों और जानवरों के समुदाय शामिल होते हैं, सभी जीव जंतु जहां पर न्यूनतम समान विशेषताओं के साथ एक साथ पाए जाते हैं उन्हीं को जियोम कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरीके से आपको विशेषताओं वाले मिल जाएंगे। घास भूमि है, मरुस्थल जीवोम है, टुंड्रा जीवोम है। पारिस्थितिक तंत्र जीवोम का एक अंग है, जीवोम का पारिस्थितिक तंत्र एक अंग है, ये जीवोम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसल और कीट। ये जो प्रश्न है इसमें इधर फसल दी हुई है, कौन सा कीट किस फसल में लगता है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मूंगफली फली छेदक दिया है, चना फली छेदक दिया है, धान वग्गा दिया है और मक्का तना छेदक। तो ये तो सही है, मूंगफली तना छेदक, ये फली छेदक ये गलत हुआ, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। मूंगफली में सफेद गिडार अगर दिया होता तो सही हो जाता, ये एक कई बार आपसे पूछा गया है। सफेद गिडार किसमें? तो सफेद गिडार जो है ये कीट मूंगफली में लगता है, यही पर यहाँ पर ये गलत दिया है, तो यही सही इसका उत्तर हो जाएगा। फली छेदक ये मूंगफली से संबंधित नहीं, चना से संबंधित है। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक निश्चित समय में फसल चक्र में उगाई गई फसलों की संख्या
जो होती है उसी को फसल चक्र की सघनता कहते हैं। प्रतिशत में आकी जाती है ये, इसको अगर आपसे निकालने कहा जाए तो ये प्रतिशत में ही निकाली जाती है। बात समझ में आ गई? फसल चक्र एक निश्चित दीजिए और उसमें कितनी फसल उगाई जा रही है, वही है फसल सघनता। एक वर्ष में केवल एक फसल जहां पर उगाई जाती है तो वहां पे 100% हो जाएगी, एक वर्ष में जहां दो फसल उगाई जाती है वहां पे 200% हो जाएगी, ये एक फसल ये 2%। और मक्का आलू और मूंग तीन यहां पे दिए हुए हैं तो यहां पर 300% यहां पर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय तृतीय युद्ध ये दिया है, और एक पानीपत का तृतीय, पानीपत का तृतीय 1761 ये बिल्कुल सही दिया है। कर्नाटक का प्रथम 1746 से 48 ये भी सही दिया है। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है 58 से 63 ये भी सही है। लेकिन द्वितीय जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1758 से, इसका समय है तृतीय का, पानीपत का तृतीय सॉरी द्वितीय का, द्वितीय का 1700 यहां पर दिया है ये, तृतीय तो 58 से 63 हो जाएगा, ये तो सही दिया है सॉरी। यहाँ पे द्वितीय आप लेंगे तो द्वितीय में 1750 दिया हुआ है, ये 1749 से 54 के बीच में हो जाएगा, 1749 से 54, तो दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? और ये बात है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, हर्यक वंश का शासक हुआ करता था बिम्बिसार, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो बिम्बिसार ने कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह किया और दहेज के रूप में इसको प्राप्त किया, और फिर अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्र वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर अधिकार कर लिया, स्वीकार किया। तो कालांतर पे फिर शिशुनाग आता है, जब गिरिजवर्ज को अपनी राजधानी में बनाता है तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा भी नियुक्त किया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। कहानी बड़ी लंबी है लेकिन इसका सही उत्तर शिशुनाग हो जाएगा। किसान दिवस मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, तो किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह का ये बर्थडे होता है 23 दिसंबर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहले ये मतलब प्रधानमंत्री रह चुके हैं, किसानों के मसीहा माने जाते हैं। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है, औसत इनका 51 दिया हुआ है ना, और 13वीं क्रमागत विषम संख्या जो होगी वो क्या होगी, यानी कि वो अगर विषम लेंगे तो ये 7वीं संख्या हो जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ी जो क्रमागत विषम संख्या होगी, यानी कि क्रमागत जो इसमें इनमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो पूछा जा रहा है कि वो क्या होगी। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो क्रमागत विषम संख्याओं की मध्य की संख्या यानी 7वीं संख्या जब हम लेंगे तो क्रमागत विषम संख्या वो 51 होगी, तो सबसे बड़ी जो क्रमागत विषम संख्या आप निकालेंगे तो उसके बाद की तो वो 63 आ जाएगी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, पुण्यतिथि कौन सी मनाई गई 30 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी की, एक प्रश्न और भी हमने कल डिस्कस किया था इस पे। तो 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि जो इस बार मनाई गई है 2021 में, ये 73वीं पुण्यतिथि थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जब 75वीं आएगी तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इनको शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को। टॉप 25 अभियान का संबंध किससे है, टॉप 25 अभियान मुंबई पुलिस से रिलेटेड है, करंट अफेयर का ये प्रश्न है। और टॉप 25 अभियान के अंतर्गत जो हिस्ट्रीसीटर लोग हैं जो भविष्य में कानून व्यवस्था पर संकट उत्पन्न कर सकते हैं तो उनके लिए शुरू किया गया था। 95 पुलिस स्टेशनों को अपने क्षेत्राधिकार के शीर्ष 25 जो टॉप ऐसे लोग हैं आपराधिक तत्व तो हैं उनकी सूची बना के उन पर कार्रवाई करने की। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सहकारिता आंदोलन से नहीं जुड़ी थी, अखिल भारतीय ग्राम ऋण समिति, वैकुंठ लाल मेहता समिति, मैगलेगन समिति, रंगराजन समिति। तो इसमें से सहकारिता आंदोलन से जुड़ी समितियों में जो रंगराजन समिति है ये इससे नहीं जुड़ी है, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी समिति है, और ये अखिल भारतीय ग्राम ऋण समिति, वैकुंठ लाल, मैगलेन ये सब इससे संबंधित है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, ये स्टेटमेंट है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा था एक पवित्र दस्तावेज। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ये ध्यान रखिएगा कितने सदस्य थे, 1+6, एक अध्यक्ष थे ये अम्बेडकर हुआ करते थे और 6 और इनके सदस्य थे,
ठीक है, इनका नाम गूगल करके याद कर लेना। टोटल पूछा जाता है कितने थे, तो टोटल अध्यक्ष सहित सात, अध्यक्ष को छोड़कर छह। निम्न में से कौन सा कायांत्रित सेल का उदाहरण है, कायांत्रित सेल का उदाहरण? इसमें जब आप कायांत्रित सेल की बात करते हैं तो इसमें देखिए बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर, तो इनमें से संगमरमर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की जो चट्टाने होती है धीरे धीरे उसमें रूपांतरण होने लगता है, तो मेटामॉर्फोसिस जिसको कहते हैं, तो चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। इसमें कौन परिवर्तित होता है, चूना पत्थर परिवर्तित होता है किसमें, संगमरमर में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है, वैदिक साहित्य में जैसे आपको मिल जाएगा निस्क, सतमान, हिरणपिंड, ये मिल जाएगा, लेकिन कासार्पण जो है ये वैदिक साहित्य में नहीं मिलेगा। महाजनपद काल में आप जाएंगे तो कासार्पण आपको मिलेगा, कब मिलेगा, महाजनपद काल में, वैदिक साहित्य में ये सब और मिल जाएंगे, तो इसका उल्लेख उसमें नहीं है। एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर किया गया, तो एरो इंडिया जो है अक्सर बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाता है, लंका एरो एयरफोर्स स्टेशन है, वहीं पर एरो इंडिया 2021 का भी आयोजन किया गया। ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल के निर्यात की बिक्री की मंजूरी प्रदान की थी, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आकाश मिसाइल के बारे में आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो इसको जानना चाहिए आपको। 2024 तक इसमें लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा निर्यात का लक्ष्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फोकस देश कौन सा होगा, 91 जो राष्ट्रीय फिल्म समारोह है 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित हुआ, तो होगा नहीं, यहां पर आप ये कर लीजिए कि फोकस देश था, फोकस देश था कर लीजिए, एक्चुअली क्वेश्चन हमारे यहाँ डेली बनते हैं तो उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया, तो फोकस देश इसमें जो है वो बांग्लादेश था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फोकस देश होता है, फोकस राज्य होता है। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा को पुनः किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, तो ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, पहले भी थे और फिर से इनको अगले कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत मैन्युफैक्चर सैंड यानी एम सैंड के उत्पादन के लिए एक नीति जारी की है, और ये राज्य है राजस्थान, क्योंकि यहीं पर रेत सबसे ज्यादा है ना, तो आप याद कर सकते हैं ये राजस्थान सरकार है, इसने कृत्रिम रेत बनाने की बात की है, और उद्योग जो है जो उद्योग से रिलेटेड है वो इकाइयां लगा के इसका निर्माण करेंगे, और इसको प्रोत्साहन भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण में ये मददगार होगा, क्योंकि रेत जब कृत्रिम तौर पर बनाया जाएगा तो वैसे जो रेत है उनको वहां से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, बाकी रोजगार के अवसर ये सारी चीजें तो है ही है, सुंदरता भी बढ़ेगी, कृत्रिम रूप से जो कोई चीज बनाई जाती है सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। खगोल गणनाओं के अनुसार कुंभ मेला किस दिन प्रारंभ होता है, इस बार कुंभ जो था वो हरिद्वार में था और लॉकडाउन और कोरोना संकट के कारण बहुत अच्छे से वो नहीं हो पाया, तो मकर संक्रांति के दिन ये शुरू होता है, खगोलीय गणनाओं के अनुसार कुंभ मेला इसी दिन शुरू होता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का जो समय होता है उसी दिन से इसको कुंभ स्नान योग कहा जाता है, वहीं से स्नान करके इसको शुरू किया जाता है कुंभ मेला को। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, बलरामपुर, तो इसमें बहराइच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ में, चंदौली श्रावस्ती बनाता है, और चंदौली नहीं बनाता, बलरामपुर भी बनाता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ में आप याद रखिए पीलीभीत बनाता है, लखीमपुर खीरी बनाता है, लखीमपुर खीरी भी याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर भी आपका बनाता है, इसको भी याद रखिए, और महाराजगंज भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यूपी के ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। जहां विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर कौन सा है, एनवायरमेंट सेंटर, साइंस एंड एनवायरमेंट सेंटर कहां पर लोकेटेड है, तो यह है नई दिल्ली, नई दिल्ली में ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं, फास्फोरस के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, सभी जो विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं
इनके सबके अप्रूव होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भौतिक स्थिति में एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो होते हैं उनको एक दूसरे से अपने भौतिक और कभी कभी रासायनिक गुणों में भिन्नता भी आपको मिल जाएगी, तो उन्हीं को अप्रूव कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके सबके होते हैं। कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है, पूछा हुआ प्रश्न है, और ये रचना है कुमार संभवम। कुमार संभवम में कालिदास ने, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में से एक माने जाते थे, सर्वोत्कृष्ट रत्न थे वो, और इन्होंने कुमार संभवम की रचना की, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, तो उसमें भगवान कार्तिकेय का वर्णन कुमार संभवम महाकाव्य में मिलता है। अगला जो प्रश्न है, किसी राशि का 6 वर्षों के लिए और 9 वर्षों के लिए समान वार्षिक ब्याज की दर पर उपचित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो इसको आप निकालेंगे, इसको आप 6 वर्ष का 100 पे निकाल लीजिएगा और 9 वर्ष का आप 100 पे साधारण वार्षिक ब्याज दर, ये समान वार्षिक ब्याज दर आप निकालेंगे, तो इसमें जो साधारण ब्याज जो है उसका अनुपात आप जब निकालेंगे, ये 6 वर्ष का इतना ही और 9 वर्ष का आप निकाल लीजिए इतना ही, दोनों आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपका जो रेशियो आएगा 1:4 का आएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रेंडजीना मिट्टी किससे निर्मित होती है? जब आप जाएंगे उष्णकटिबंधीय मिट्टियों में तो बीच बीच में, मतलब कटबंधियों में, जो कटबंधों में जो बेल्ट में मिट्टी को बांटा जाता है, सॉइल बेल्ट होती है, तो बीच बीच में बिखरे रूपों में कुछ मिट्टी पाई जाती है और इनके ऊपर जैसे मूल चट्टान, अपक्षय, वाष्पीकरण, जल रिसाव आदि का प्रभाव जिन पर पड़ता रहता है, तो चूना पत्थर जहां पे पाया जाता है तो चूना पत्थर से रेंडजीना मिट्टी विकसित हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे दिया होता कि काली मिट्टी किससे होती है तब तो लावा हो जाता, लेकिन ये काली मिट्टी नहीं पूछ रहा है, रेंडजीना। तो रेंडजीना जहां पर चूना पत्थर होगा वहां पे अपक्षय की क्रिया होगी, वहां पे जल पड़ेगा, वाष्पीकरण होगा, मूल चट्टान जो होगा उसमें चूना पत्थर पाया जाना चाहिए, तब रेंडजीना मृदा का विकास होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप किस नाम से जाना जाता है? गोरखपुर के पास में किस नाम से जाना जाता है शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार जो है, तो यहाँ पे डुंडवा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा दक्षिणी भाग हिमालय का है, तो गोरखपुर में डुंडवा कहा जाता है। वर्षा में यहाँ पे कमी है, बहुत ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे जो फसलें होंगी वो मोटे अनाज होंगे, चना होगा, सरसों भी हो जाएगी, अरहर होगी, ज्वार होगा, गेहूं भी आप डेवलप करेंगे तो हो जाएंगे, है ना। चलास यहाँ पर जो है ये घास होती है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ की घास को चलास कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? जो महाजनपद 16 थे, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको मिलता है अथर्ववेद में, और बौद्धों का जो ग्रंथ है तो उसमें भी आपको अंग और वंग को प्रथम आर्यों की संज्ञा बौद्धों के ग्रंथ में माना गया, वहां पे भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। तो इनमें से जो अंग महाजनपद है ना, भागलपुर, मुंगेर और उससे सटे बिहार और बंगाल के क्षेत्र जो थे उनको कहा जाता था, तो ये बिहार का हिस्सा था, न कि यहाँ का हिस्सा था उत्तर प्रदेश का। बाकी कोसल, काशी और सूरसेन ये जो थे ये यहाँ के थे। एक प्रश्न यहाँ पर आप और तैयार कर लीजिए कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। कोसल, काशी, सूरसेन आपने देखा ही, इसके अलावा आप याद कर लीजिए कुरु को, इसके अलावा पांचाल याद कर लीजिए, पांचाल भी यहीं पर था, कोसल हो ही गया, काशी हो ही गया, आप चेदी, चेदी को भी यहाँ पे लिखिए और वत्स भी यहाँ पे लिख लीजिए और मल भी लिख लीजिए। तो कुरु, पंचाल, चेद, वत्स, मल, कोसल, काशी, सूरसेन, ये टोटल 16 में से 8 जो थे ये उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अंग जो था ये बिहार का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये तिथि थी फरवरी की 15 फरवरी 2021 को ये योजना शुरू की गई और निःशुल्क तैयारी परीक्षाओं की कराने की ये योजना थी और पहले चरण में ये प्रदेश के सभी 18 मंडलों में शुरू कर दी गई थी और अभ्युदय कोचिंगें खुल ली गई थी, लॉकडाउन के कारण सब असफल रहा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। कोयला तो बहुत ज्यादा करेगा, डीजल फिर करेगा, फिर मिट्टी तेल। हाइड्रोजन जो है ये सबसे न्यूनतम करेगा, सबसे कम, ना के बराबर ये करता है। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत अनुकूल है, अच्छे ईंधन, गुड फ्यूल इसको माना जाता है और हाइड्रोजन ईंधन की दक्षता सबसे अधिक भी होती है, ये भी जान लीजिए। अगर इसमें दक्षता की बात की जाए तो इफिशियंसी भी सबसे ज्यादा इसी की हो जाएगी। इफिशियंसी आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है वो बायलिंगुअल होती है और उसका हम पीडीएफ भी देते हैं आपको
और व्याख्या सहित पीडीएफ देते हैं, और इसको आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी यूपीपीएससी की जो भी परीक्षाएं हैं, आरओएआरओ और यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, उन सब की टेस्ट सीरीज, नई टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 19 या 35 या 1909 या 1947। तो ब्रिटिश भारत में देखा जाए तो गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। लेकिन भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोग 1861 भी सोचने लगते हैं, लेकिन वहां पर दिया गया था भारत के गवर्नर जनरल को। भारत में संविधान में जो लिया गया है ये प्रावधान, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित करके लिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गरुड़ प्रकार की मुद्राएं किस गुप्त शासक ने जारी की थी? गरुड़ प्रकार की मुद्राएं, जैसे समुद्रगुप्त का जब कार्यकाल आप पढ़ेंगे तो 6 प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की प्राप्त होती हैं। तो गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त ने नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य के तौर पर जारी किया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला इसमें बताया गया था। गरुड़ प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इसका मुद्रा के पृष्ठ भाग पर सिंहासन देवी है और पराक्रमा शब्द अंकित है वहां पे, मतलब उसमें एक सिंहासन पर अरुण देवी का चित्र है और पराक्रमा शब्द लिखा हुआ है, पराक्रमा शब्द, ठीक है। ऑरेंज नदी की सहायक नदी, देखिए कभी कभी ऐसा भी आता है कि एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाते हैं, तो ऑरेंज की कौन सी सहायक नदी है? तो ये वाल नदी है, ये ऑरेंज की सहायक नदी है, है ना। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की नदी, लेसोथो नामीबिया इन देशों में बहती है, सीमा भी ये बनाती है। डंकनसोर पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, अफ्रीका नामीबिया की भी सीमा बनाती है। सहायक नदी इसकी वाल है और इसमें एक जलप्रपात भी है, और ये जलप्रपात है आग्रेविज, इसका जलप्रपात भी आप याद कर लीजिए, आग्रेविज जलप्रपात, ठीक है। तो और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आप अपना स्कोर शेयर करेंगे। 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक, यहाँ पे श्याम लिखा है लेकिन इसको श्याम मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, श्याम भी नाम हो सकता है, सभी नाम हो सकता है, 13वां और 14वां है, अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा? 23 विद्यार्थी हैं, 23 में से आप 13 और 14 इनका है, तो 13वां और 14वां, तो आप इसको घटा दीजिए, तो इस तरीके से आपका 23 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो 23 में से 14 निकालेंगे, 23 14, तो हाँ ठीक है, तो ये आपका 10 आ जाएगा। अब इसमें जो रैंक होगी, तो 13वें वाले की रैंक हो जाएगी 10 में एक जोड़िए, तो ये 11वीं हो जाएगी, और इसकी जो हो जाएगी, जो 14वां व्यक्ति है उसकी रैंक हो जाएगी 10वीं, ठीक है। तो 11 और 10 इनका कौन सा रैंक का क्रम हो जाएगा, ठीक है, राम की 11वीं और श्याम की 10वीं। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं और शेयर करें, अपना स्कोर जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए परीक्षा के संबंध में जो यूपी कमीशन से होती है, 6307281212 पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले लें। थैंक यू सो मच।